بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اب عبارت پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الأمام الحجة الحافظ الحديث أبي حافظ الحديث محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: كتاب النكاح باب الرجل تكون عنده نسوة كيف يقسم بينهن. وبه قال: أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث حارث بن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بأم سلمة رضي الله تعالى عنها قال لها حين أصبحت عنده: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. قال: ثلث. قال محمد: وبهذا نأخذ ينبغي إن سب عندها أن يسبع عندهن، لا يزيد لها عليهن شيئا، وإن ثلث عندها أن ثلث عندهن. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. بس یہ مؤتا امام محمد رحمہ اللہ کا آغاز ہو رہا ہے. امام محمد رحمہ اللہ کے بہت مختصر حالات بھی اس مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں. امام صاحب کے کا جو نام ہے اس سے تو آپ پہلے ہی سے واقف ہیں، بہت ہی مبارک نام محمد ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام حسن ہے، اور ان کے دادا کا نام فرقد ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ. تو پورا نام اس طریقے سے ہے: ابو عبداللہ محمد ابن حسن ابن فرقد شیبانی. اور شیبان یہ خاندان کی طرف نسبت ہے. امام محمد رحمہ اللہ اپنے علم و فضل کے اعتبار سے بہت ہی مشہور ہیں. تعارف کے سلسلے میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ملک شام کے اندر ایک شہر واسط ہے، وہاں امام محمد رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے سن 132 ہجری میں. سن 132 ہجری میں وہاں پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر
उनके वाली साहब वहाँ से कूफा मुंतकिल हो गए, जो उस जमाने में इल्म का मरकज था। कूफा में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह और सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह, इन जैसे बड़े बड़े उलमा और फुकहा मौजूद थे और इनके ज़रिए से पूरे इलाके के अंदर इल्म की रोशनी फैल रही थी। और वहीं से फिर इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की तालीम और तरबियत का आगाज हुआ है। जब सबसे पहले 14 साल की उम्र में इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह से इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने यह फरमाया कि बच्चे पहले कुरान शरीफ हिफ्ज कर लो, उसके बाद आना। फिर एक हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह दोबारा हाजिर हुए और उन्होंने दरख्वास्त की, तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुमसे कहा था कि कुरान पाक हिफ्ज कर लो, उसके बाद आना, और तुम इतनी जल्दी आ गए। तो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने अर्ज़ किया कि मैंने एक हफ्ते में कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। ये सुन करके इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह बहुत खुश हुए और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तरबियत में इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह को शामिल फरमा लिया। 4 साल मुसलसल इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की खिदमत में रहे और बराबर इल्म हासिल करने के अंदर मशगूल रहे। ऐसा ज़हीन शख्स जिसने एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया हो, वो 4 साल इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की खिदमत में अगर रहे तो कितने इल्म इतनी मुद्दत के अंदर हासिल कर लेगा, उसका अंदाज़ा आप खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की वफ़ात हो गई। फिर इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह से इस्तिफादा करने लगे। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की वफ़ात के बाद इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के यहाँ पढ़ने के साथ साथ दूसरे मशाइख के पास भी हदीस शरीफ सुनने के लिए जाते थे। उसकी वजह से इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह को वापसी में ताखीर हो जाती थी और शुरू का जो हिस्सा है वो छूट जाता था, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की रियायत में उसको दोहरा दिया करते थे। जितना हिस्सा छूट जाता था उसको दोबारा उनको पढ़ा दिया करते थे। इस तरीके से उनकी रियायत फरमाते थे। जिस तरीके से ख़ास नज़र इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की थी इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह पर, इसी तरीके से इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह भी उनके साथ बहुत शफ़क़त का मामला फरमाते थे। और उसके बाद फिर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के यहाँ भी 3 साल रहे और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से हदीस शरीफ हासिल किए। तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे उस वक्त मदीना मुनव्वरा में, और 3 साल उनके पास मुकम्मल रह करके इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के पास जो हदीसें थी उनको सुनी है। मुअत्ता इमाम मालिक रहिमहुल्लाह जो मशहूर है उसकी तमाम रिवायतें इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने बराह रास्त इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से सुनी है।
और इनके अलावा और दूसरे बहुत से मशाइख से भी इल्म हासिल किया है इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने। और उसके बाद तकरीबन 22 साल की उम्र में इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने पढ़ाना शुरू किया है। तो जब इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह मुअत्ता पढ़ाते थे तो उस वक्त उनके यहाँ इतनी ज़्यादा लोग पहुँचते थे कि रास्ते बंद हो जाते थे, इतनी ज़्यादा उनकी शोहरत हो चुकी थी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा इल्म व फ़ज़ल से इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह को नवाजा। तफसीर के अंदर, हदीस के अंदर और लुगत और अदब, इन तमाम चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़बरदस्त इमाम बना दिया था। अपने ज़माने के अंदर बहुत ही ज़्यादा आप मशहूर थे। और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने बहुत किताबें लिखी हैं। मौलाना अब्दुल हय साहब रहिमहुल्लाह के कौल के मुताबिक 999 किताबें इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने लिखी हैं। इतनी किताबें किसी और की नहीं हैं जितनी इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने किताबें लिखी। और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने जितनी मेहनत के साथ किताबें लिखी हैं उस ज़माने के अंदर उसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। और जितनी किताबें लिखी हैं बहुत ही उम्दा तरीक़े की किताबें लिखी हैं, सारी चीज़ें बहुत ही मुदल्लल करके और मुकम्मल तरीके पर, जहाँ जितनी तफसील की ज़रूरत है सारी चीज़ें तो वो जिक्र की हैं इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने। बहरहाल इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने जो ये किताब लिखी है और जो आपके सामने मौजूद है, इसकी कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो दूसरी और मुअत्ता की जो दूसरे और नुस्खे हैं और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से जो दूसरे हजरात रिवायत करने वाले हैं, जिनके मुतालिक ज़िक्र किया गया है कि मुअत्ता इमाम मालिक के 16 नुस्खे हैं, 16 नुस्खे मौजूद हैं। उनमें से 2 ज़्यादा मशहूर हैं, एक तो यहया इब्न यहया अंदलुसी रहिमहुल्लाह हैं और दूसरा ये मुअत्ता मोहम्मद रहिमहुल्लाह, मुअत्ता इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह। लेकिन जो खसूसियत मुअत्ता इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह को हासिल है वो दूसरी किताबों को हासिल नहीं है, इस एतबार से कि इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह जो रिवायत करने वाले हैं ये बहुत ज़बरदस्त मुहद्दिस भी हैं, फ़कीह भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, इस दर्जे के रिवायत करने वाले और दूसरे लोगों में से कोई नहीं। और इसी तरीके से पूरी किताब मुकम्मल तरीके पर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से समाअत की है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के पास 3 साल रहकर मुकम्मल तरीके पर हदीस शरीफ के इल्म को हासिल किया है। तो इस तरीके से और मुअत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की रिवायतों के साथ दूसरे शुयूख की भी रिवायतें हैं। मुअत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर कुल जो हदीसें बयान की गई हैं उनकी तादाद है 1180 या 1185, 2 तरीके के कौल जिक्र किए गए हैं। तो 1180 हों या 1185 हों, उनमें से इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से जो हदीसें नकल की गई हैं उनकी तादाद 1005 है। और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह से जो हदीसें उसमें बयान की गई उनकी तादाद 13 है। और इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह से जो हदीसें नकल की गई उनकी तादाद 4 है और बाकी दूसरे मशाइख की हदीसें हैं। तो मुअत्ता इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह में सिर्फ इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की बयान की हुई हदीसें नहीं हैं बल्कि और दूसरे शुयूख की हदीसें भी इसके अंदर मौजूद हैं। इस एतबार से इसको ज़्यादा फजीलत हासिल है और ज़्यादा खसूसियत हासिल है मुअत्ता के दूसरे नुस्खों के मुकाबले में। इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की पैदाइश हुई थी सन 132 हिजरी में,
पैदाइश का सन क्या है? 132 हिजरी। और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की जो वफात हुई है वो 189 हिजरी में हुई है। तो इस एतबार से इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की कितनी उम्र हो गई है? उम्र का कितनी? तकरीबन 58 साल की उम्र हुई। 58 साल की उम्र में इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने बहुत से लोगों को पढ़ाया भी है और उसी के साथ साथ बहुत किताबें भी लिखी हैं। जामे सगीर है, जामे कबीर है, सियर सगीर है, सियर कबीर है, मबसूत है, ज़ियादात है, बहुत ही उम्दा उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त किताबें, बहुत ज़खीम किताबें लिखी। तो अल्लाह ताला की तौफीक और मदद से इतना ज़बरदस्त काम इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने किया है। और हनफी मसलक को राइज करने में और हनफी मसलक को मुदल्लल करने में इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह का जितना ज़बरदस्त कारनामा है उतना किसी दूसरे का नहीं है। और जो कुछ इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की चीज़ें हैं वो सब किताबों के अंदर महफूज हैं। उनकी किताबों को देखकर पढ़ने वाला शख्स हैरत में पड़ जाता है कि इतने वक्त में कैसे इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल व करम से जिससे जो खिदमत लेना चाहते हैं कम वक्त में भी उतनी खिदमत ले लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल व करम है कि बहुत कम वक्त में अल्लाह ताला ने इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह को इतना ज़बरदस्त काम करने की तौफीक अता फरमाई है। इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की जो वफात हुई है वो किस में? जल्दी बताओ कौन सा सन है? 189। इतना है। तो बहरहाल इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से जितनी उम्र मिली है उन्होंने उसकी बहुत ही ज़्यादा कदर की और मुकम्मल तरीके पर दीन की खिदमत में लगे रहे। इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह से विसाल के बाद यानी उनकी जब वफात हो गए उसके बाद किसी शख्स ने उनको ख्वाब में देखा, फिर पूछा कि नज़ा के वक्त में आपका को क्या हाल पेश आया था। जब मरने का वक्त करीब हो गया, जब आपकी वफात का वक्त करीब हुआ तो उस वक्त आपको क्या हाल पेश आया था? इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त मुकातब के एक मसले में मैं गौर कर रहा था, मुकातब के एक मसले में मैं गौर कर रहा था, उसी हालत में मेरी रूह परवाज कर गई और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। यानी उस वक्त भी एक मसले के अंदर गौर कर रहे थे कि इस सिलसिले के अंदर शरीयत का क्या हुक्म है। हर वक्त इसी फिक्र के अंदर रहते थे कि हम शरीयत के जो अहकाम हैं वो उम्मत के सामने मुकम्मल तरीके पर पेश कर दें। तो इस दुनिया से जाते जाते भी इसी काम के अंदर वो लगे रहे और इसी हालत के अंदर वो अल्लाह ताला के पास पहुंच गए। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। उन्होंने जो अपनी कैफियत ख्वाब की बयान की यानी निज़ा के वक्त की जो कैफियत बयान की, जो उनके बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक रखने वाले थे और उन्होंने ख्वाब में देखा था और उन्होंने फिर हाल पूछा जो आपने हाल बताया, तो वो सुन करके खुश हो गए कि कैसा ऊंचा दर्जा है इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह का। और इसी तरीके से एक साहब ने ख्वाब में इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह से ये भी पूछा कि ए अबू अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद, अगर
तुमको अजाब देना होता तो मैं ये इल्म तुमको न देता। गोया कि अजाब से नजात की खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से उनको उसी वक्त मिल गई कि आपके लिए तो रहमत ही रहमत है और अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह ताला के अजाब से आपका कोई भी ताल्लुक ही नहीं। यानी ख्वाब के जरिए से खुशखबरी ईमान वालों को मिलती है। ख्वाब में बहुत सी चीज़ों की खुशखबरी दे दी जाती है, जो सच्चा ख्वाब है उसके ज़रिए से खुशखबरी मिलती है। तो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने जो अपने मुतालिक बताया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें अजाब देना होता तो मैं ये इल्म तुमको अता न करता। और उसके बाद फिर उन साहब ने पूछा कि इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह किस हाल में हैं। उन्होंने कहा कि वो तो हमसे ऊंचे दर्जे पर। फिर इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के मुतालिक पूछा कि वो किस दर्ज का, वो उनका क्या हाल है। तो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि वो तो बहुत ऊंचे दर्जे पर। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह तो बहुत ऊंचे दर्जे पर हैं। तो इन हजरात ने जो दीन की खिदमत अंजाम दी है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल है और उसकी वजह से अल्लाह ताला उनको बुलंद दरजात अता फरमाएंगे, जिसकी खुशखबरी इस ख्वाब के ज़रिए से भी ज़ाहिर होती है। बहरहाल मुअत्ता इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह की जो कुछ खसूसियात हैं वो भी आपके सामने आ गई हैं और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह के बहुत मुख्तसर हालात भी आपके सामने बयान कर दिए गए हैं।